गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर विच वी आर डूइंग फ्रॉम द पास्ट टू डेज. एंड द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर अबाउट द सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लाइक वॉट आर द डायरेक्ट सोर्सेज एंड वॉट आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज. So after sources, we studied in detail about the seismic waves or the earthquake waves in detail. So we find about the shadow zones. Then which were the two important waves, seismic waves? Yes, seismic waves. कौन सी दो waves मैंने आपको कल बताई थी? वो भी आपको देखने की नौबत आ रही है. वो भी प्राइमरी सेकेंडरी तो आपका दूसरी वेव थी ना. विच वर द फर्स्ट टू सिस्मिक वेव्स? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. अच्छा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा इसके रिगार्डिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो. ठीक है. सो टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर, मेजर वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन? Surface waves, because they travel through the horizontally on the surface and they cause the maximum destruction. And the other one is body waves. And why it is called body waves? Because it travels through the rocks. Its origin is through the focus, which is deep inside the earth. And through focus, it travels in all directions and through different mediums, basically rocks. That's why it is called body rocks. And through body rocks or body waves. And through body waves only. Surface waves originate. Then body waves are further divided into primary waves and secondary waves. So all of you go through that and revise all the points very carefully. So now next topic is structure of the earth. Now structure of the earth, you know that earth is basically from the top to the center, it is divided into three layers, like onion. It has number of layers, and this layering of the earth is known as, kis process se layering hui hai earth ki? क्या किससे हुई है? यस, व्हाट्स योर नेम? पलक. तो पलक ने बिल्कुल सही बताया है. इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन. बेसिकली इट इज एक्रीशन, ACRETION. तो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो भी चीज बनी है वो अपने इंस्टेंट इस साइज में नहीं बनी है. इट वॉज अ टाइनी पार्टिकल एंड फ्रॉम टाइनी पार्टिकल इट हैज ग्रोन इनटू सच अ ह्यूज सेलेशियल बॉडीज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्रीशन. When a single tiny ball is present, उसके ऊपर एक लेयर एड हुई, फिर एक लेयर एड हुई, ऐसे करके साइज ग्रो हुआ है. इस प्रोसेस को हम एक्रीशन कहते हैं. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है. यूनिवर्स जो भी चीज बनी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन ओनली. देन सो यू नो दैट अर्थ इज डिवाइडेड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स. ऑलराइट, सो द फर्स्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट. ऑलराइट, जैसे आपने देखा होगा कि जो चौक नहीं है ये वैसे आप सब जानते ही हो, आपकी बुक में भी दिया होगा. लाइक अगर ये हमारा अर्थ है तो इसमें ये जो टॉप लेयर है, ये जो लेयर है विच इज थिन, ये काफी थिन लेयर है, पतली लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. देन द सेकेंड लेयर, ये जो लेयर है ये आपकी जो है एस्थेनोस्फेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर, which is in semi-liquid form. It is in semi-liquid form. In fact, it is part of mantle only. It is known as upper mantle, कह सकते हो. And asthenosphere, it is a weak zone जहाँ पे भी whenever volcanic eruption eruptions takes place, magma comes out from this layer only. ठीक है? So it is just beneath the crust. Just crust जो है हमारा, उसके just नीचे क्या है? Semi-liquid molten मैग्मा है, इसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं और अपर मेंटल कहा जाता है. देन आता है आपका लोअर मेंटल. ये जो लोअर मेंटल है इट इज इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है. देन आपका आता है आउटर कोर एंड देन आता है आपका इनर कोर. सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड ऑल दीज लेयर्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. ऑलराइट, तो जितना ऊपर रहेंगे उतना ही आपका जो टेम्परेचर है वो कम है,
प्रेशर भी कम है और जो रॉक पार्टिकल्स है उनका वेट और डेंसिटी कम है. बट एज वी मूव डाउनवर्ड इनटू द कोर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स ऑल्सो इंक्रीजेस. एज आई सेड दैट द फर्स्ट टू लेयर्स लाइक द कोर मेंटल एंड क्रस्ट दे आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशियम. बट द इनर लेयर विच इज कोर इज इट इज मेड अप ऑफ नाइफ NIFE. So Ni means nickel and Fe means ferrous. So that is the densest part of the earth. Now, first of all, we will see the first layer, that is crust. What are the features of crust? First, it is the outermost solid part of the earth. It is brittle in nature. All right. So it is the outermost part. जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूपर्पटी. ठीक है? ये जिस पे हम लोग the place we are standing right now, this is known as crust. एंड ये काफी पतला है, थिन है और इट इज सॉलिड पार्ट में है ये और इट इज ब्रिटल इन नेचर, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. देन द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल एरियाज. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, बिकॉज हमारे अर्थ पे जो है आपको पानी भी मिलता है और लिथोस्फेयर भी है. तो हमारा जो क्रस्ट है, ठीक है, मान लो ये पानी है, ठीक है, ये ओशन है सपोज. तो ओशन के अंदर भी आपका है क्रस्ट, ये कि जो ओशंस होते हैं उनका भी जो फ्लोर होता है ना, तो फ्लोर क्या है, दैट इज क्रस्ट ओनली. जब एस्टेरॉयड की वजह से वो नीचे चले गए थे, डिप्रेशन बन गया था, तो एक्चुअली दे आर ऑल्सो क्रस्ट. तो ये इसके नीचे ये भी क्रस्ट है और ये भी आपका क्या है, क्रस्ट है जिसके ऊपर पानी नहीं है, ये जो कॉन्टिनेंटल एरिया है. ठीक है, सो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट. तो ओशन के नीचे जो आपका क्रस्ट है उसको हम ओशनिक कहते हैं और जो हमारा ये पार्ट है क्रस्ट इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं. एंड ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इट इज थिक एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट बहुत गहरा नहीं होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है इट इज मोर, बहुत ज्यादा तो नहीं होती, 35 किलोमीटर या कहीं कहीं जहां भी माउंटेन्स होते हैं. ठीक है, जहां भी आपको माउंटेन्स मिलेंगे प्लेन एरिया में थिकनेस 35-40 किलोमीटर हो सकती है. और अगर कहीं पहाड़ है, आपको पता है ना जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग का कुछ हिस्सा ऊपर नजर आता है, मैक्सिमम हिस्सा नीचे होता है, उसी तरह से जो माउंटेन्स होते हैं उनका मैक्सिमम हिस्सा नीचे होता है. तो जहां भी आपके पहाड़ होते हैं, जैसे आपके माउंटेनियस एरियाज हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्रस्ट होगा वो ज्यादा गहरा होगा, कम से कम 70 किलोमीटर तक नीचे होगा. लेकिन प्लेन एरियाज में जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट बेसिकली समझ लो ना जो ठोस पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट है इसको हम क्रस्ट कहते हैं. ठीक है, तो जो हमारा ऊपर क्रस्ट है लिथोस्फेरिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वैसे ही हमारा ओशनिक क्रस्ट भी होता है, समुद्र भी, पैसिफिक ओशन है चाहे अटलांटिक ओशन है, उसके नीचे जो फ्लोर है, तलवा है, वो भी हमारा क्रस्ट है. तो यहाँ पे दो तरह के क्रस्ट हो गए. आपको पूछा जा सकता है कि विच आर द टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, सो ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल इज मोर थिक देन ओशनिक क्रस्ट. द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर. The continental crust is thicker in the areas of major mountain system. जहां भी mountains होते हैं वहां पे crust क्या होता है और गहरा होता है. कम से कम कभी कभी 70 किलोमीटर तक हो सकता है, especially in the Himalayan region. It is made up of heavier rocks having density of 3 gram per centimeter cube. तो जो हमारा continental crust होता है वो ज्यादा भारी पत्थरों से बना हुआ है और उसकी density कितनी है, 3 gram per centimeter cube. This type of rock found in the oceanic crust is basalt. ठीक है, तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हैवी मटेरियल से बना हुआ है. जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशन के नीचे जो फ्लोर है, वो किससे बना हुआ है, बासल्ट. ये याद रखना, बासल्ट क्या होता है, BASALT. इट इज ए रॉक विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा. ठीक है ना, जो मैग्मा होता है, जब बाहर मैग्मा समझते हो ना, लावा, जो लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता है, थोड़ा सा विस्कस फॉर्म में रहता है. डांबर देखा तो पीछे चारकोल टाइप का जो रोड बनती है, तो उस फॉर्म में रहता है, मतलब बहुत ठोस नहीं बन पाता, उसको हम बासल्ट कहते हैं. ठीक है, और जो बहुत ठोस हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट. ये नाम सुने आपने, ग्रेनाइट हो गया, बासल्ट हो गया, सारे नाम सुने आपने, सुने, हाँ. तो दीज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ.
इग्नियस रॉक, बहुत मतलब बहुत जल्दी ठंडा होता है और काफी हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। खैर वो तो अलग चीज है, जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट इज मेंटल, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोज डिस्कॉन्टिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फियर। जहां क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल स्टार्ट होता है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्या कहते हैं, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी को लिखा हुआ है वहां पे। जैसी आपका क्रस्ट जो है खत्म हुआ, मेंटल स्टार्ट हुआ, तो उसको मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। और जो आपका मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक नीचे गया हुआ है। आप वो जो कल डायग्राम आपने देखा था ना नीचे, आप वो उसे कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड क्या कहते हैं, अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फियर। इट इज द वीक जोन भी कहते हैं इसे, इसे हम वीक जोन भी कहते हैं क्योंकि जहां डिस्टरबेंस होती है मैग्मा बाहर जाता है। देन द वर्ड एस्थेनोज मींस वीक, देखो अभी मैंने बताया एस्थेनोज का मतलब क्या होता है, वीक। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। तो जहां भी क्रस्ट खत्म हुआ, क्रस्ट से लेके जहां तक भी 400 किलोमीटर अंदर तक आपका अपर मेंटल फैला हुआ है। देन इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। जो भी मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है वो कहां से आता है, थ्रू एस्थेनोस्फियर। इट्स वे टू द सर्फेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। इट हैज अ हायर डेंसिटी देन क्रस्ट, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ये चीज जरूर नोट कर लेना, कहीं भी एक नोट फॉर्म में बना लेना, लाइक क्रस्ट मेंटल कोर डेंसिटी कितनी है तीनों की, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक क्रस्ट की कितनी मैंने आपको बताई, ओशनिका कितना है 2.7, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी है 3, फिर हम मेंटल पे आते हैं, मेंटल की कितनी है 3.4। अब हम जब नीचे जाएंगे कोर पर तो देखिए बढ़ गया है, कितना हो गया 5 और 13। ठीक है, अब उसको हम पढ़ेंगे। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फियर। नाउ व्हाट इज लिथोस्फियर, सब कुछ देखो टर्म्स आप उसमें देख रहे हो। क्रस्ट जो है पूरा का पूरा समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट। जो भी हमारा सॉलिड पार्ट है अर्थ के ऊपर उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसी को हम क्रस्ट भी कहते हैं, उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। एक वर्ड आता है लिथोस्फियर, आप बार बार सुनते आते हो ना, तो व्हाट इज लिथोस्फियर, लिथोस वर्ड का मतलब होता है रॉक एंड स्फेयर मतलब क्या होता है, जोन। तो जो भी हमारे अर्थ पे रॉक वाला जो पार्ट है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो लिथोस्फेयर एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रस्ट से स्टार्ट होता है और जो हमारा अपर मेंटल है वहां तक कॉन्टिन्यू होता है। सो व्हाट इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज द क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। और जो लोअर मेंटल है वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, क्रस्ट हमारा सॉलिड है, हमारा फिर मेंटल आता है, मेंटल भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, फिर हमारा आता है लोअर मेंटल जो कि सॉलिड फॉर्म में, इसमें लिखा हुआ है ना, द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज कोर, एज इंडिकेटेड अर्लियर The earthquake wave velocities help in understanding the existence of the core of the earth. The core mental boundary is located at a depth of 2900 kilometer. ठीक है, तो आपका जो है क्रस्ट स्टार्ट हुआ 35 किलोमीटर तक ऐसे होता है, फिर 35 से आपका 400 किलोमीटर तक आपका अपर मेंटल है, और फिर 400 से 2900 किलोमीटर पृथ्वी में आपका पूरा मेंटल लोअर मेंटल होता है, और 2900 से नीचे तक आपका जो भी अर्थ का रेडियस है वहां तक पूरा क्या है आपका कोर। नाउ कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, one is upper outer core and other is inner core. The outer core is in its liquid state. Outer core किस form में, ये जो आपको मैंने बताया outer core, ये किस form में, liquid state में, and the inner core is in solid state. The density of the material at the mental core boundary is around 5 gram per centimeter cube, and at the center of the earth at 6300 kilometer the density value is around 13 gram per centimeter cube. अब आप ये 13.5 जो सोच रहे हो ना, ये बहुत हाई डेंसिटी मानी जाती है, ठीक है ना। तो आपने देखा क्रस्ट का कितना है 2.7, 3, देन 3.4 आया मेंटल का,
एंड देन आउटर कोर का कितना है 5 एंड इनर कोर का है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड जो इनर कोर है आपका किससे बना हुआ है, निकल और आयरन से, एंड दैट्स व्हाई इट समटाइम्स इट इज रिफर्ड टू एज नाइफ लेयर. ठीक है, या आपको समझ में आया? पर मैं फिर आपको बहुत वैसे बता रही हूँ मूड्स फॉर्म आपको क्या कहते हैं, अपर मेंटल और इसको हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर. यानी किस फॉर्म में? सेमी लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, इसके नीचे जब हम जाते हैं तो ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ये हमारा 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमारा ये लोअर मेंटल. लोअर मेंटल ये किस फॉर्म में है? सॉलिड. फिर हम जाते ये क्या है, इनर आउटर कोर किस फॉर्म में? लिक्विड. ठीक है, तो ये क्या है हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द इनसाइड ऑफ द अर्थ. ये क्लियर हो गया? नहीं हुआ? ओके, अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. It is very easy. A volcano is a place where gases, ashes, or molten rock materials like lava escape to the ground. So, अगर आपसे volcano पूछे जाए, तो volcano is just basically a depression or vent. V-E-N-T. V-E-N-T, vent. और अगर हम definition देखें तो volcano is a depression or vent in the earth crust through which molten materials like lava और pellets और जो रॉक पीसेस होते हैं या एशेज होते हैं या फिर वाटर वेपर होता है, गर्म पानी जो होता है वो बाहर पृथ्वी के ऊपर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो. सिंपल वे में अर्थ में गड्ढा होता है, उसी गड्ढे से जब बाहर आती हैं आपकी बहुत सारी चीजें लाइक लावा, मोल्टन मटेरियल, पत्थर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो. तो वॉल्केनो बेसिकली एक डिप्रेशन होता है, एक वेंट होता है, एक वीक जोन होता है जहां से जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जो भी वीक जोन है अर्थ के, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है अंदर, तो वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ इरप्ट होते हैं जहां भी उनको वो मिलता है. जैसे आप पानी बॉईल कर रहे हो, है ना, मैंने कल आपको कुकर का एग्जांपल दिया था कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, सीटी निकलती है उसमें से. अगर आप सीटी उसको ऐसा कर दो कि सीटी ना निकले तो क्या आपका कुकर फट जाएगा? तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे ही जब इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है अंदर और जहां भी उनको थोड़ा सा क्रैक वीक जोन मिलता है तो ये उस एरियाज को तोड़ते हुए बाहर आते हैं, उसी को हम वॉल्केनो कहते हैं. ठीक है, आप वॉल्केनो की पिक्चर्स दे सकते हैं ना, गोल सर्कल में होता है और फिर जब एक इरप्शन होता है उसके बाद और इरप्शन होते हैं. तो एक के ऊपर एक लेयर इकट्ठा होती जाती है और एक ही बार में इतना पहाड़ नहीं बन जाता है. और हमेशा वॉल्केनिक माउंटेन और कोन दे आर फॉर्मड फ्रॉम द एक्टिव वॉल्केनोस, है ना. जो मैंने आपको तीन तरह के वॉल्केनोस बताए थे कल, एक्टिव वॉल्केनोस, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस. एक्टिव वो होते हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में कई बार उनका इरप्शन होता रहता है और उनमें अपवेलिंग होती रहती है, हमेशा उसमें से मैग्मा निकलता रहता है. लाइक आप आइसलैंड चले जाइए, आप ग्रीनलैंड चले जाइए, आप अलास्का चले जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस मिलेंगे. जापान के आसपास जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बताया, उसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं. देन डोरमेंट, जैसे कि वेसुवियस माउंटेन, वेसुवियस है, देन एक दो और है, बहुत मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो इटली के पास है, भूमध्य सागर जो है उसमें है, उसी के पास है, इटली में है, जहाँ पे वो एक्टिव वॉल्केनो उसके एग्जाम्पल है. माउंट वेसुवियस इटली का एक पहाड़ है जो एक्टिव वॉल्केनो, अभी भी उसमें हमेशा इरप्शन
हो सकती है रप, तो मतलब वो कुछ गैप पे दो तीन बार इरप्ट हो चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, तो हमें पता है कि ये डोरमेंट है, मतलब अभी यस इन स्लीपिंग नेचर, और कभी भी वो इरप्ट हो सकते हैं, उन्हें हम डोरमेंट कहते हैं। एंड एक्सटिंक्ट कौन होते हैं, जो जिनमें इरप्शन हो चुका है, मतलब वो हमें सिर्फ पहाड़ दिख रहा है, उसमें पानी भरा हुआ है, और वो मतलब उसका कोई चांस नहीं है कि अब उसमें इरप्शन होगा, क्योंकि अपन कितनी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी वहां पे इरप्शन नहीं देखा गया है, कोई उसके वो नहीं मिले, बहुत पहले वो कभी हुआ होगा, लेकिन वो माउंटेन बना हुआ है, लाइक माउंट फुजियामा, जापान का जो माउंटेन है माउंट फुजियामा, वहाँ के हाईएस्ट पीक है, दैट इज अ वॉल्केनिक माउंटेन, तो वॉल्केनो से सोचो बहुत ऊंचा पहाड़ बना हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन होते 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 वहां पे बना हुआ है। देन माउंट किलिमेंजारो, इसमें माउंटेन कहाँ पे है आपको नहीं पता होगा, माउंट किलिमेंजारो ये अफ्रीका का जो है हाईएस्ट माउंटेन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वेस्ट अफ्रीका में है या ईस्ट अफ्रीका में शायद, तो ये भी आपका जो है वॉल्केनिक माउंटेन है, फुजियामा ऑफ जापान एंड किलिमेंजारो ऑफ अफ्रीका, दीज आर द वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं हाइट में, तो वॉल्केनो समझ में आ गया आपको क्या होता है, दे आर द ओपनिंग और दे आर द वेंट और दे आर द डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल्स दे कम ऑन द अर्थ सर्फेस। नाउ जब भी ये मटेरियल्स ऊपर आते हैं, अच्छा और भी तरह के आपके वॉल्केनोज होते हैं, एक होता है आपका ऐसा वॉल्केनो जो कि बहुत ही सडन इरप्शन होता है, बहुत तेज इरप्शन होता है, ठीक है ना, एंड दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, कि धमाक उसमें जो है एक एक दो दो महीने तक अपवेलिंग होती रहती है और धुआं निकलता रहता है, और लोगों को पता चल जाता है कि भाई अभी फटने वाला है कभी भी, तो वहां पे जिसने एरिया से खाली करा दिया जाता है, वहां से लोगों को भगा दिया जाता है कि आप मतलब सेफ प्लेस पर, तो ये उन्हें कहते हैं हम एक्टिव वॉल्केनो, जैसे आपको शील्ड वॉल्केनो दिया हुआ ना दिख रहा है आपके बुक में, शील्ड वॉल्केनो, तो ये सब आपके बहुत ही डेंजरस वॉल्केनोज हैं, क्योंकि ये मतलब इनमें ये बहुत ही धमाके के साथ जो है इसमें जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और आप ये मत सोचिए कि वॉल्केनिक इरप्शन जो बहुत वैसे वाले, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में 1883 में वहां पे एक माउंटेन है माउंट क्रैकाटोआ, तो उसमें जब धमाका हुआ था ना, आज 1 महीने तक, तो पहले 1-2 महीने तक उसमें अपवेलिंग हो रही थी, मतलब अपवेलिंग समझते हो ना, जैसे धुआं निकल रहा है ये क्या अब फटेगा, फिर जब फटा उस जब वो ब्लास्ट हुआ है वॉल्केनो, तो क्या हुआ कि वहां पे पानी कितनी 100 किलोमीटर तक उसका मैग्मा फैला है, और इतना तेज फैला है वो कि वहां के लोग पानी डिस्प्लेस नहीं हुए जो भी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का रूल था वहां पे इंडोनेशिया में, तो वहां पे जकार्ता में शायद था ये, तो वहां पे लोग जो है भाग नहीं पाए, और उसमें पूरे मतलब लोग होते ना वेट करते कि अच्छा तो अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा, चले जाएंगे, तो इसीलिए काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन इससे बहुत सारे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, लाइक आप देखिए पहला लैंडफॉर्म क्या है, शील्ड वॉल्केनो दिख रहा है आपको, अच्छा तो एक तो आपको धमाके के साथ हो गए जिससे आपके कोन बनते हैं, जब भी धमाके के साथ इरप्शन होगा ना, और उसमें कई बार इरप्शन होता रहता है, तो उसको उससे आपके पहाड़ बनते हैं इस तरह के स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स फॉर्मेशन, मतलब कोन शेप फॉर्मिंग होता है, जैसे आपने शील्ड वॉल्केनो देखा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ओपनिंग होती है क्रस्ट में, मतलब डिप्रेशन है या फिर क्रैक डेवलप हो गया, और उसमें से मैग्मा आराम से निकलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं फिजर इरप्शन, फिजर FISSURE, फिजर इरप्शन कहा जाता है, जैसे हवाई, हवाई के नाम सुना है आपने, हवाई आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका के पास, मे बी पैसिफिक ओशन में मुझे याद नहीं आ रहा इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या है पूरा हवाइयन आइलैंड ही आपका जो बना है बासल्ट से बना हुआ है, ठीक है ना, मैंने आपको कहा ना कि जब भी मैग्मा बहुत अच्छे से नहीं सूख पाता है और थोड़ा सा लिक्विड विस्कस फॉर्म में होता है, तो लेकिन धीरे धीरे क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको बनते हुए, तो उससे आपका हवाइयन आइलैंड बना है, और वहां पे अगर आप जाओ तो आप देखोगे कि वहां पे उसे कुछ पार्ट्स में जो डेवलप है वो तो डेवलप है, लेकिन जहां पे इरप्शन होता रहता है फिजर इरप्शन वहां पे हवाई में कुछ पार्ट में उसके आइलैंड में, तो वहां पे देखोगे पूरा एरिया जो है वो ब्लैक है, बिल्कुल पहाड़ी जो है पूरी पूरा का पूरा एरिया ब्लैक है, और जगह जगह पैर रखोगे आपको पता नहीं आपके शूज कहाँ पे बिल्कुल चिपक जाए,
ठीक है ना, और धुआं निकलता रहता है, हर जगह आपको स्मोक नजर आएगा, और जो है आपको बिल्कुल वहां से दिखेगा कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, जैसे कि हवाई का एक बहुत अच्छा जो है उसमें दिखाया था, अगर आपको आपने लोग तो ऐसे भी नॉलेजेबल चीजें देखते नहीं होंगे, लेकिन जो बियर ग्रिल्स के जो एपिसोड आ रहे थे आपने देखे थे, बियर ग्रिल्स जानते हो, तो वो दिखा रहा था ना पूरे, तो उसमें हवाई गया था एक बार, तो उसने उसका अगर आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से उसने हवाई का दिखाया है कि मतलब वो पूरा उसमें ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से कोई दिखाता नहीं है, तो वहां पे मतलब उसने बहुत दिखाया किस तरह से फिजर इरप्शन उसमें से मैग्मा जो है ना हॉट मैग्मा उसमें से अपवेलिंग हो रही है, तो बेसिकली जो फिजर इरप्शन होता है हवाई और उसका हवाई आइलैंड उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और वो जो है मतलब उसमें धमाका नहीं होगा, उसमें आराम से मैग्मा निकलता रहेगा और स्प्रेड आउट होता रहता है, फैलता रहता है, जिससे आपका क्या बनता है पठार प्लेट्यू, जैसे आप हमारा कौन सा प्लेट्यू बना मालूम है, इंडिया में भी ऐसे ही बना है, हमारा दक्षिण भारत, जो हमारा साउथ इंडिया है ना, डेक्कन पठार सुना है, डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू बना है ना 9th में, जो जहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात है, वो भी हमारा इसी प्रोसेस से बना है, इसका मतलब कि हमारे इंडिया जो ये सदर्न पार्ट है यहाँ कभी ना कभी वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, क्योंकि इंडिया हमारा कहाँ था आपको पता है ना, साउथ, हमारा जो दक्षिण भारत है सबसे पहला पार्ट हिस्सा अगर पूरे भारत का बना हुआ है तो दक्षिण भारत बना हुआ सबसे पुराना हिस्सा है, और वो कहाँ था मालूम है, हम किसके पड़ोसी थे पहले, साउथ अफ्रीका के, हमारा पूरा का पूरा सदर्न आइलैंड कहाँ, सदर्न पार्ट कहाँ पे था, सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में था, पढ़ा ना वो सब पेंजिया वंजिया, तो आपने 9th में पढ़ाई होगा, दक्षिण भारत में था और साउथ अफ्रीका के बगल में थे हम लोग, हमारा हम लोग उसके पड़ोसी थे मेडागास्कर आइलैंड, और हमारे बगल में कौन था, ऑस्ट्रेलिया, जब हमारा ड्रिफ्टिंग हुई है, जब प्लेट्स अलग हुई है, तब जाके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सब आपस में जुड़े हुए थे, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वेस्ट में चले गए, जो बीच का एरिया बच गया वो अटलांटिक ओशन बन गया, और जो हमारा यूरोप ऊपर चला गया, अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया टूट गया, इंडिया का सदन हिस्सा ही था छोटा सा, तो वो टूटकर नॉर्थ तरफ भागा और वो ऊपर गया, जब टकराया है यूरोप से तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन होने के बाद उसके सामने बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जब वो गड्ढा फिल हो गया तो नॉर्दर्न प्लेन बन गया, जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं, पूरा यूपी बिहार ये एरिया उससे फॉर्म हुआ है, तो इस तरह से जो है सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से हमारा सदन जो है इंडिया, तो ये इसको हम फिजर इरप्शन, अब आप इसको पढ़ सकते हो, देखिए बासल्ट से बना हुआ था, शील वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज ऑन द अर्थ, द हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस, ये इतना आता नहीं इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, इसकी रीडिंग जरूर कर लेना, कितना कितना तो कर लोगे ना, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना, देन एक चीज है जो मिड ओशनिक रिजेस, ये देख लीजिए आप, मिड ओशनिक रिजेस क्या होते हैं, मिड मतलब समझ में आ रहा है बीच में, किसके बीच में, ओशन के बीच में, रिज मतलब पहाड़, और किस चीज के पहाड़, वॉल्केनोज, ठीक है ना, तो पहाड़ ओशन के बीचों बीच जब आपके माउंटेन्स, क्योंकि उस नीचे से अपवेलिंग होती है, जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, ओशन का जो तलवा है उसके नीचे भी मैग्मा है, उल्टा वो ज्यादा पास पड़ेगा, जो हमारा एस्ट्रोस्फेयर है वो ज्यादा क्लोज है ओशनिक क्रस्ट के, क्योंकि वो कम गहरा है ना, वो ज्यादा क्लोज है, तो वहां से हमेशा माउंटेन मैग्मा निकलता रहता है, और जब मैग्मा ऊपर आता है और एक के ऊपर एक्यूमुलेट होता रहता है, कहीं कहीं मतलब हर जगह तो नहीं, कहीं कहीं एक्यूमुलेट होता रहता है, तो उससे काफी लंबा पहाड़ बन गया है, अगर आप अटलांटिक उनका देखेंगे ना प्रोफाइल, तो ग्रीनलैंड से स्टार्ट होता है, ग्रीनलैंड लोकेशन सबको पता है, ग्रीनलैंड से स्टार्ट होता है, अच्छा आप लोग 11th लेवल पे आ गए, तो मैंने आपसे भी कहा था ना कि मैप अच्छे से देख लेना, जब मैं ग्रीनलैंड का नाम ले रही तो आपको पता ना, ग्रीनलैंड यहाँ है, जहां भी आपका नॉर्थ अमेरिका है और जो आपका यूरोप है उसके बीच में जो ऊपर का आइलैंड है उसको नॉर्थ ग्रीनलैंड कहते हैं, वहां पे आपका लैंड है, तो कौन कौन से देश कहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में मेंटल पिक्चर होनी चाहिए, तो ग्रीनलैंड से स्टार्ट होता है ये मिड ओशनिक रिज और पूरा कहाँ खत्म होता है, नीचे जाके साउथ अमेरिका के पास या फिर एंटार्क्टिका कह लो, एंटार्क्टिका तक है, तो ये बेसिकली मिड ओशनिक रिज क्या है, ये माउंटेन्स है, पहाड़ है जो समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, जो हम ये ऊपर देखते हैं ना ऐसी चीजें हमें पानी के अंदर भी ओशंस में भी आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे भी आपको प्लेन एरिया मिलेगा, वहां पे भी आपको पठार मिलेंगे, वहां पे भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और काफी गड्ढे भी देखने को मिलेंगे जिसको हम ट्रेंचेस कहते हैं, तो पूरा ओशन का प्रोफाइल होता है, तो समुद्र के अंदर जो पहाड़ होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने होते हैं, मैग्मा से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस, और देखो कितना लंबा है, 70,000 किलोमीटर लंबा है, इट इज सिस्टम ऑफ मिड ओशन रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग That stretches through all the oceans. हर ocean में present है और कम से कम 70,000 किलोमीटर लंबाई है इसकी. Then volcanic landforms, ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा. ये volcanic landforms हैं जो जमीन के अंदर बनते हैं. जब magma ऊपर आता है ना तो कुछ हिस्सा तो ऊपर चला आता है
जब स्पीड कम हो जाती है तो कई जो और पोर्शन होता है मैग्मा का वो ऊपर नहीं आ पाता, वो जमीन के अंदर ही डिफरेंट जो हमारे रॉक्स होते हैं उनके बीच में वो एंटर कर जाता है। हमारे जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो जो गैप्स जहां भी उनको मिलता है वो उन्हीं गैप्स में मैग्मा एंटर कर जाते हैं, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ले लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर। तो बाहर जैसे आपका ये कोन्स है, कैल्डेरा है, ये जो आपके कोन्स है, सिंडर कोन, ये आपके एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, एक्सटीरियर बनने वाले। और इंट्रूसिव कौन से हो गए, जो जमीन के अंदर ही जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम इंट्रूसिव कहते हैं। तो इसको भी आप अपने आप जो है इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग इसकी जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। If you have any doubt, you can ask me right now.